आज ये काम बताया गया है लिस्ट जो फूड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खास विकास की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि इतनी गलती लेकर क्या आपका ड्राइवर चला। ये है वो अनजानापन, ये है वो लापरवाही, वो ये दोनों चीजों की उसको शिक्षा मिल सकती है, वो शिक्षा ले सकता है। जैसे आज आप यहां शिक्षा ले रहे हैं कि कैसे दुर्घटना से बचना है, कैसे दुर्घटना को समझना है, कैसे दुर्घटना को टालना है, जो कि सारी सारी एंटीसिपेशन है। पर कैसा कहीं से उम्मीद आपको रखना पड़ती है कि घटना कैसे कैसे होती है, जो कि सारे सारे पॉइंट आपको बताया जाए, बताए जा रहे हैं बहुत सारे पॉइंट, कैसे बचना कैसे बचाना है। जब आप उनकी समझ रखेंगे, उनकी नॉलेज रखेंगे, उनकी जानकारी रखेंगे, ये समझ आपको हो जाएगी, तो शायद जैसे डीडीआर सीओ के आंकड़े होते हैं, जैसे ड्राइव कंडीशन की मैंने आपको बता दिया 70% गलती लेकर चला हुआ है, जो व्हीकल की कंडीशन दुर्घटना में रहती है 1.7% कुल ना के बराबर है, गाड़ी इतनी मजबूती से इतनी बढ़िया बना रहा है, ऊर्जा फेल नहीं होता है, गारंटी दे रहा है कि मेरी ब्रेक कभी फेल नहीं होगी, मेरे पहिए कभी निकल नहीं सकते हैं, चेक नट कभी लूज हो नहीं सकता है, प्रोपेलर साफ टूट नहीं सकती है, सस्पेंशन सिस्टम टूट नहीं सकता है, स्टीयरिंग मैंने इस तरह से आपकी गाड़ी में फिट कर दिया है कि आपकी गाड़ी को छोड़ेगी नहीं, कोई पुर्जा फेल हो जाएगा वो सही ट्रैक के ऊपर चलती जाएगी, टायर भी फट जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा फ्रंट टायर, लेकिन आपकी गाड़ी रोड छोड़ेगी। इस तरह से इंजीनियर लोग आज गलती दे रहे हैं, ये ना के बराबर गलती है, 1.5% ना के बराबर है, रोड कंडीशन जहां भी इंजीनियर का रोल है वही बनाता है, 1.2% ना के बराबर, बहुत कम चीजें जैसे देखने को मिलती है कि रोड बैठ गई और गाड़ी दुर्घटना होगी, पुल पुली बैठ गया और गाड़ी दुर्घटना होगी, डंडा बैठ गया गाड़ी दुर्घटना होगी, ऊपर से स्लाइड आ गया तो दुर्घटना होगी, बहुत कम चीजें ऐसी देखने को मिलती है सुनने को मिलती है, जो कि ना के बराबर आंकड़ा दर्शाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो कि आपके सामने में रखा हूं। इनको समझने की आज हमें बहुत बड़ी जरूरत है, और क्लाइमेट फेयर मौसम की जानकारी देने वाला जो उसका विभागीय विभाग ऊर्जा अधिकारी के माध्यम से एक्सपर्ट के माध्यम से वो टाइम टू टाइम बोलता है, आज मूसलाधार बारिश होगी, आज बादल फट सकते हैं, आज आंधी तूफान आ सकता है, आज भूकंप आ सकता है, आज कोई ऐसा भूचाल हो सकता है, भूकंप के झटके हो सकते हैं, भूकंप हो सकता है, लेकिन उसके बीच में भी गलती दे जाती है, रहती है, जो ये ना के बराबर सिर्फ 1% कितनी है जी, 1% बोलो काम से काम पहुंच गया, कितना अपने काम में एडवांस हो गया, गाड़ी बनाने वाला कितना एडवांस हो गया, रोड बनाने वाला कितना एडवांस हो गया, मौसम विभाग की जानकारी देने वाला कितना एडवांस हो गया, हमारे पुस्तक करने वाला पहले वो देता है, हम उस तरह से अपनी तैयारी करके अपनी सड़क के ऊपर चलती है, रोड पे ऊपर चलते अपने बचाव पक्ष की सारी चीजें हम पहले ही अपना लेते हैं, मुझे क्या करना है, कैसा कैसा आज क्या जानकारी है, क्या करना है मुझे, किस तरह से मुझे अपनी सेफ्टी करनी है, तो उस तरह से हम पहले ही अपने आप को ऊपर कर लेते करते ही नहीं करते। और अन्य कंडीशन, जो कि दूसरों के माध्यम से ऐसी घटना घटती है, कोई भी ऐसी अनुमति हो जाती है, प्राकृतिक बन जाती है और बनती है शुरू कर जस्ट है, या कोई और जो भी सड़क का उपयोग कर रहा है, कुछ भी है, कोई साइकिलिस्ट है, कोई पैदल यात्री है, कोई रेल ट्राली वाला है,
दूसरी गाड़ी वाला है, व्हीकल वाला है, या पशु है, कोई भी जानवर है, कोई भी कुछ भी है, कोई भी चीज दुनिया है वो उपयोग करने वाले, जिसकी गलती से ईंधन घटना होती है सिर्फ 14%। कितनी? 14%। तो अब बता दो, आप ही बताओ कि ऐसा ड्राइवर जो आज चला हुआ 78% गलती लेकर के चला हुआ है, उसको कौन ड्राइवर पूछता है? कोई नहीं पूछता उसको, पूछता भाई वो ड्राइवर एक कमजोर ड्राइवर होता है, उसके बीच में इसका मतलब कि शिक्षा नहीं है, जो कि एक जानकारी का अभाव उसके बीच में है और लापरवाही उसके बीच में है, और जब इस तरह से वो नुकसान कर रहा है तो बेटे जिसके साथ ही नुकसान होता है, जिसके साथ ही घटना घटती है, तो उसके जो सीधे परिणाम रहते हैं राइट कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडेंट, सीधे जो परिणाम रहते हैं, नंबर एक फैटलिटी डेथ, नंबर दो इंजरी इंजर्ड फ्रैक्चर, और नंबर तीन डैमेज टू प्रॉपर्टी संपत्ति की हानि। तो ये तीन सबसे बड़े नुकसान पहुंचते हैं जिसके साथ एक घटना घटती है। गंभीर चोट आने से मृत्यु हो जाती है, फैटली डेथ, इंजरी इंजर्ड फ्रैक्चर, शरीर का टूट जाना, हड्डी पसली का टूट जाना, रीढ़ की हड्डी जैसी का टूट जाना, शरीर का अंग अलग हो जाना, और तड़पने वाली जिंदगी के लिए मजबूर हो जाना, उस परिवार का क्या हाल होता है? तो मैं समझता हूं कि परिवार बहुत बुरी तरह से पीछे जाता है, बहुत पीछे चल जाता है, और संपत्ति की हानि, कितनी मेहनत से आप संपत्ति बनाते हैं, कितनी मेहनत से संपत्ति बनाई होती है, जब ऐसा किसी के साथ होता है, ऐसी घटना घटती है, तो उस संपत्ति का ध्वंस करने का रास्ता अब कोई बच पाए, उस संपत्ति को कैसे आगे ग्रोथ करना है, जब वो आदमी ही चला गया, उस आदमी का शरीर ही टूट गया, इनकी हड्डी टूट गई, शरीर का अंग अलग हो गया, फिर वो संपत्ति कैसे ग्रोथ कर सकता है? कष्ट है, कष्ट भी। तो ये आज हमें इन चीजों की समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है आज अपनी तरफ कि मुझे इस काम को किस तरह से करना है, तो हमें उसी तरह से करना है जो अकॉर्डिंग रूल हमें इजाजत देता है, उस रूल को ही हमें फॉलो करना है। तो आज इन दुर्घटनाओं से बचना है, इन दुर्घटनाओं को कम करना है, तो उसके कुछ पॉइंट हैं, उनको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने काम को करना होगा। तो दुर्घटनाओं को रोकने के कदम, प्रिवेंटिव मेजर फॉर एक्सीडेंट, नंबर एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ रोड सेफ्टी, बहुत जरूरी है, शिक्षा सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा और जागरूकता का होना सबसे जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो इस चीज से बचन जा सकता, ये जागरूकता नहीं है तो इस चीज से बचन जा सकता, और ये भी तो सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा और जागरूकता का होना बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, सख्ती से कानून लागू करें, और इस काम के रूल बने नियमानुसार ये काम देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, करना पड़ता है, जो कि गाड़ी चलाने से पहले नियम बना होता है कि गाड़ी को प्रॉपर चेक करें, हरेक पार्ट्स को समझे, हरेक पार्ट्स की भाषा को समझे, कोई ऐसा पुर्जा कोई नुक्स वाला तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो उसको
अकॉर्डिंग रूल, जब गाड़ी को स्टार्ट करना है तो उसका भी एक अकॉर्डिंग रूल तरीका है, जब स्टार्ट करके गाड़ी को चलाना है रोड के ऊपर ले जाना है तो उसका भी नियमानुसार एक तरीका है। उस पैटर्न को समझें, गाड़ी को रोकना है तो उसका भी एक तरीका है उसको समझे, गाड़ी को लगातार चलाना है तो उस रोड की भाषा बनी हुई है जो कि तरह तरह की एक भाषा बनी होती है, चाहे मैंडेटरी में जो चिन्ह दर्शाए गए हैं उनको समझना पड़ेगा, वार्निंग में कॉशनरी में चेतावनी आपको दी जा रही है उसको समझना पड़ेगा, जो कि 50 मीटर पहले ही आपको बता देते हैं कि 50 मीटर आगे ये खतरा बना हुआ है, तो आप उस तरह से तैयारी करते हैं, गाड़ी को अपने कंट्रोल में करते हैं और उस तरह से उस खतरे से बचने के लिए गाड़ी को उस तरह से अपने कंट्रोल में रखकर के वहां से उस खतरे को टालते हुए आप गाड़ी को वहां से चलाते हैं, जो कि तरह तरह के इस तरह की चेतावनी होती है कि आगे दाएं तरफ मोड है, आगे बाएं तरफ मोड है, कर्व है, आगे क्रॉस रोड है, आगे तीन सेक्शन है, आगे मेजर रोड है, आगे राउंड अबाउट, आगे रेलवे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है, अनगार्डेड है, गार्डेड है, नैरो ब्रिज है, नैरो रोड है, आगे स्कूल है, बच्चा दौड़ सकता है, जाने पर वाला होता है, दाएं बाएं से आ सकता है, गाड़ी को धीरे कर लो, आगे हम पंप रोड है, ऊबड़ खाबड़ सड़क है, स्पीड ब्रेकर है, पीडीस्ट्रियन क्रॉसिंग है, इंफॉर्मेटिव में कितनी बार आपकी सुविधा के लिए उस सड़क पर चले होते हैं, सुविधा जो आपको लेनी है कि आगे पेट्रोल पंप है, आगे हॉस्पिटल है, आगे फर्स्ट एड पोस्ट है, आगे मीटिंग प्लेस है, आगे आगे लाइट रिफ्रेशमेंट है, आगे पार्किंग दिस साइड है, पार्किंग दूस साइड है, किस व्हीकल के लिए, किस गाड़ी के लिए, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ होती है, बहुत बड़ी एक बात आपकी बनती है। और जब इस तरह से आप भाषा जान पहचानते हैं, जिस सड़क के ऊपर आप चले हुए उस सड़क के ऊपर कोई कंटिन्यूस लगातार लाइन लगी होती है, रोड के किनारे के ऊपर लगी होती है, या रोड के बीच में ब्रेकर लाइन के साथ टूटी हुई रेखा के साथ लगी होती है, उसकी एक भाषा होती है, उसको समझना होता है कि इस लाइन से बाहर ना जाए, यहां से ओवरटेक ना करें, येलो लाइन होती है कर्व के ऊपर होती है या बीचों बीच होती है या रोड के किनारे के ऊपर होती है, ये सारी भाषा बनी होती है जो कि ड्राइवर के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होने देती है, भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होती है, और उस तरह से भाषा को समझता हुआ ड्राइवर लगातार गाड़ी चलाता है। और इसके अलावा कई प्रकार के शब्द नमूने होते हैं जो इस तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, अपनी गाड़ी को कंट्रोल में चलाने के लिए उस भाषा को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को चलाना होता है, और उस तरह से ड्राइवर गाड़ी चलाने को तब जाके इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और आज ये दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर के लिए एक रूल बनाया हुआ नियम बनाए होते हैं, जो कि तरह तरह के नियम बताए बनाए होते हैं, लेकिन एक मोटर व्हीकल रूल 1989 के तहत एक रूल बनाया गया है MSM PSM, उसको फॉलो करना है ड्राइवर लगातार जब भी गाड़ी चला रहा है, वो बोलता है कि बिहाइंड द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल स्टॉप और रन और चेंज डायरेक्शन एंड रिवर्स ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग ड्राइविंग एट द टाइम ड्राइवर ऑफ द व्हीकल शुड ओबे वन मेन सिक्योरिटी रूल्स, दी
to obey this rule strictly, we can avoid the accident. जब भी वाहन चालक वाहन को चलाता है, रोकता है, चलाता है या दिशा परिवर्तन करता है या पीछे करता है, तो उस समय वाहन चालक को एक मुख्य सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए, जो एमएसएम पीएसएल के नाम से जाना जाता है। इन नियम का दृढ़ता से पालन किए जाने पर दुर्घटना को टाला जा सकता है। तो कितना बढ़िया रूल है कि नहीं है? तो एमएसएम पीएसएल का जो एक एक पहले का जो मीनिंग है, अर्थ है, एम का मिरर के माध्यम से राइट लेफ्ट लगा होता है, आगे बीच स्क्रीन के माध्यम से आप देखते हैं, आप सबको राइट लेफ्ट को देखते हैं, कोई राइट से नहीं आ रहा, कोई बाएं से नहीं आ रहा, पीछे तो नहीं आ रहा, कितनी बड़ी स्पोर्ट है। ये बोलता है कि इससे पहचान करें, सही पहचान होगी आपको कि क्या सिग्नल मिल रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है, आगे से पीछे से आ रही गाड़ी, दाएं से आ रही है, रॉन्ग साइड से आ रही है, राइट साइड से आ रही है, उसको समझना होता है, उसकी भाषा को समझना होता है। सिग्नल एस का सिग्नल संकेत क्या है, मैं लेट में हो, भागी में हो, इन्फॉर्मेंट में हो, सड़क पर मार की लाइन हो, ऑटोमेटिक लाइट के सिग्नल हो, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ के सिग्नल गाड़ी के यातायात को नियंत्रण करने के लिए चौराहों के ऊपर खड़ा रहता है, सिग्नल देता है, रोकने का, चलने का, देता भी देता है, उसको समझे एस का सिग्नल संकेत, उनकी पालना करे। एम का मैनोवरिंग, जगह परिवर्तन के ऊपर दिशा बदलाव जब करना है, एक रोड से दूसरे रोड के ऊपर जाना है, राइट लेफ्ट को जाना है, उस वक्त एक नियमानुसार भाषा बनी होती है, उस भाषा को फॉलो करें, समझे, या कोई आगे पीछे दाएं बाएं जा रहा है उसको समझे, या आपको दिशा परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, एक रोड से दूसरे रोड के ऊपर जाना है, तो गाड़ी को रोके, या चौराहों के ऊपर राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, मेन रोड के ऊपर एंट्री मार जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, एंट्री होना है, एक रोड से मेन रोड के ऊपर, वहां एक नियम है, गाड़ी को रोके, राइट देखें, लेफ्ट देखें, जहां भी आपने जाना है वहां देखें, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएं, जब आपको विश्वास हो जाता है तब जाकर इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और पी एस एल पी का पोजीशन, जिस सड़क के ऊपर आप चले उसकी कंडीशन कैसे, उसकी स्थिति कैसे, वहां पर माहौल कैसे, उसको फॉलो करके बचे, उसकी समझ रख के ही चलते। ऐसा स्पीड जिस सड़क के ऊपर चले होते हैं वहां की गति जो कि नियमानुसार होती है, अकॉर्डिंग रूल, किसी भी सड़क के ऊपर आप चले होते हैं, चाहे विलेज रोड के ऊपर चले हुए हैं, चाहे नेशनल हाईवे रोड के ऊपर चले हुए हैं, चाहे स्टेट हाईवे रोड के ऊपर चले हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर चले हुए हैं, चाहे अन्य सड़क के ऊपर चले हुए हैं, जो कि पांच प्रकार की सड़कें होती है, उनको समझना होता है, उनको फॉलो करना होता है, उनके नियम होते हैं, अकॉर्डिंग टू नियमानुसार चलना पड़ता है, तब जाके इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और एल का लुक ये बोलता है कि ये सारी की सारी चीजें देखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी को लगातार चलाना पड़ेगा, वही आपकी पहचान बनेगी। बिना देखे काम नहीं चलेगा, बिना देखे इस काम को आप नहीं कर सकते, सेकंडों में ही, क्षणों में ही आप गलती खा सकते हैं, और उसको गलती से बड़े नुकसान भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े नुकसान जान मात्र हो सकते हैं। तो उसे बचने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना भी पड़ेगा, इस रूल की समझ रख करके, जो कि एमएसएम पीएसएल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसको पॉइंट पॉइंट समझ करके इसको जब भी आप चाहे गाड़ी को रोकते हैं, चाहे चला रहे हैं, चाहे दिशा परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे पीछे कर, आपको देख करके ही, पहचान करके ही ये सारे के सारे काम इस तरह से सही सही चल सकता है। और इस तरह से नहीं करते हैं तो गलती लग सकती है, और गलती से बड़े समझ पाना।
भी, ठीक है, तो इस तरह से घटना से बचा जा सके। और इसके ऊपर मैंने खुद, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देता हूं, ऐसे बोलते ना सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, सुरक्षा में ही सुरक्षा है कि नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगी, जब सुरक्षा में सुरक्षा ही है तो सुरक्षा को कैसे करना है, अपनी सुरक्षा करनी है और दूसरों की सुरक्षा करनी है। तो ये सच है, सच्चाई है कि ड्राइवर वुड हैव टू चेंज हिज हैबिट फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज ओन ऑन एंड पैसेंजर। हर ड्राइवर ऑल आवर एनिमी एक्सेप्ट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज टू फेस टू वॉल। ड्राइवर इज लाइक टू गॉड विष्णु बिकॉज इन सेम देयर इज पर्सन चक्कर। और सच्चे सच्चाई चालक को अपनी और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी और अपनी यात्री की सुरक्षा के लिए आते बदलने बदलेंगे, जैसे आपको बताया जा रहा है जैसे चलाएंगे गाड़ी पक्का। तो हम भी आपको विश्वास देंगे इस घटना से आप बड़े नॉर्मल होकर के बड़े एक साधारण तरीके से आप बच सकते हैं और औरों को भी जा सकते हैं। जब इस तरह से गाड़ी चलाएंगे, इस तरह से अपनी हैबिट को चेंज करेंगे, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरह से आपने गाड़ी चलानी, ठीक है। और आपको जब आप सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो ये सोच बना के चलना है कि कोई भी ये जो सड़क का उपयोग करने वाले हैं ये मेरे दुश्मन हो सकते, ये मेरे दुश्मन, क्यों? क्योंकि ये मुझे मार सकते हैं, मेरे शरीर के अंग तोड़ते हैं, मेरी जान को बचते हैं, तो मुझे इनसे कैसे बचना है, कैसे इनको बचाना है, क्योंकि मुझे इनका सामना करना पड़ता है, हर किसी का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इनके सामने एक दुश्मन तो जरूर समझना है, लेकिन इस दुश्मन से कभी बदतमीजी नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है या बदले की भावना देनी है। इनके सामने बैठे एक अच्छा सब पेश करते जाना है कि इनसे बचना सीखना है और इनको बचाना सीखना, इनसे बचना नहीं है और इनको बचाना है, ठीक है। नहीं तो आपके शरीर को तोड़ सकते हैं, उनको भी चोट आ सकती है, उनकी जान जा सकती है और बिना मन की परेशानी आपको डाल सकते हैं, आपको कोर्टों के झंझटों में डाल सकते हैं, जेल भी पड़ा सकते हैं, जुर्माने भी पड़ा सकते हैं और आपके भविष्य को खराब कर सकते हैं। तो इस तरह से दुश्मन हमें इस तरह से एक नुकसान पहुंचा सकता है, उससे बचने के लिए सामने एक अच्छा सब पेश करना है कि इनसे बचना भी है और इनको बचना है, ठीक है। और ये भी सच है क्योंकि आपको सबको सबका सामना करना पड़ता है, हर किसी का कैसे चीजों का सामना करना पड़ता है, सड़क के ऊपर करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। और ये भी सच है कि चालक एक विष्णु का अवतार है क्योंकि उसके हाथ में एक सुदर्शन चक्र है कि नहीं है। अगर कहीं गलत चक्कर लग गया तो मैं समझता हूं कि जितने के जितने यात्री गाड़ी में होते हैं, गाड़ी खाई में चलेगी या पहाड़ के साथ टक्कर होगी या किसी को कुचल दिया तो कई बार जाने सारी की सारी भी चली जाती है, जाती कि नहीं जाती। तो इस दर्शन चक्कर के सही चक्कर लगे, सही चक्कर लगाने हैं, इसे चक्कर लगाने के लिए इस दर्शन चक्कर तप पकड़ने का तरीका है और घुमाने का तरीका है जो कि मैंने आपको बताया, जैसे गई उसकी बस पर होती है, दूसरी दो पर होती है, उसी तरह इसके लिए पकड़ा जाता है इस दर्शन चक्कर पकड़ने का तरीका, और वहां से घुमाना घुमाया जाता है। जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसी वक्त घुमा पाएंगे, क्षणों सेकंडों में आप लेट भी होंगे और गाड़ी उसी तरफ घूम जाएगी जिस तरफ से आपका ट्रैक बना हुआ, जहां आपको ट्रैक में पकड़ दे जानी है, तो उसके सही चक्कर लग रहे हैं, इसका मतलब है गाड़ी ट्रैक नहीं छोड़ेगी, गाड़ी खाई में जा सकती है, इसको कुचल सकती है, गाड़ी ओवर स्पीड में चल सकती है, तेज गति में चल सकती है, उसी गति में आप गाड़ी को चलाएंगे, उसी गति से मोड़ काटेंगे जो गति आपके कंट्रोल में रहेगी और जिस तरह से आपने स्टेयरिंग को घुमाना, जितना आपका कंट्रोल है उसी तरह से आप राइट को काटेंगे, लेफ्ट को काटेंगे, गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम बचेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से बेटे आपने अपने आप को समझना है और इस तरह से अपने आप को, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है। थैंक्स।